नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकने पहुंचे, साथ ही साथ उन्होंने देश विदेश से आए सिख धर्मावलंबियों को गुरु पर्व की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही गुरु गोविंद सिंह के त्याग बलिदान और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुद्वारा पहुंचकर दर्शन किए, उनके गुरुद्वारा आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही परंपरागत रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आयोजकों द्वारा अभिनंदन किया गया। नीतीश कुमार के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। उन्होंने गुरु दरबार में मत्था टेका और गुरु घर में बैठकर गुरुवाणी सुनी। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार के रूप में सरूपा भेंट किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरु गोविंद सिंह महाराज से देश और राज्य में अमन चैन की दुआएं मांगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी समेत कई गणमान्य भी पहुंचे। वहीं गुरु घर से पिनी प्रसाद दिया गया। तही प्रकाश हमारे भयो पटना शहर विखे भयो लायो, अर्थात जहां मेरा जन्म हुआ वो पटना शहर कितना भव्य लगता है, यह कहा था दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिनका त्याग और बलिदान ऐसे कि जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर्वसदानी साहित्यकार, कवि और क्रूर मुस्लिम शासकों से लोहा लेने वाले गुरु जी के बारे में कहा जाता है, 1,25,000 से एक लड़ाऊ तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊ। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी की आज 357 व प्रकाश पर्व पर बुधवार को पटना साहिब गुरुद्वारा में भारी भीड़ उमड़ी। बता दें आपको कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेकते हुए नजर आए। गौरतलब है कि 15 से 17 जनवरी तक पटना साहिब में प्रकाश पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान देश के कई राज्यों से लाखों श्रद्धालु पटना साहिब आए हुए हैं। उनके आवासन, खान पान आदि को लेकर व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई। पटना प्रशासन ने भी आगंतुकों का स्वागत के लिए विविध प्रकार की व्यवस्थाएं की है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे और फिर मत्था टेकते हुए नजर आए। उनके साथ मंत्री विजय चौधरी, मंत्री संजय झा के साथ अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।